हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास होगी हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन यानी शारीरिक शिक्षा का इतिहास। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ ग्रीक यानी यूनान का इतिहास। देखिए, यूनान के इतिहास को चार पार्ट में डिवाइडेड किया जाता है, जिसमें से पहला है होमर काल, होमरिक पीरियड, दूसरा है स्पार्टा काल, तीसरा है पूर्व एथेंस काल और चौथा है उत्तर एथेंस काल। हम यूनान के इतिहास को चार भाग में डिवाइडेड करके पढ़ते हैं। सबसे पहला देखते हैं होमर काल। होमर काल के जो लोगों का मुख्य पेशा था वो था कृषि और पशुपालन। होमर काल के जो लोग थे वो कृषि और पशुपालन पर विशेष ध्यान देते थे। जो होमर जो काल था वह एक कवि के नाम पर रखा गया जिनका नाम था होमर। यह एक नेत्रहीन कवि थे और इन्होंने दो महाकाव्य या दो कविताएं लिखी, पहली है इलियड, दूसरी है ओडिसी। ये जो कविताएं थी या जो ये जो महाकाव्य थे इनकी तुलना की जाती है वेद व्यास के वेदों से। और जो होमर नाम के जो कवि थे उनको इस काल का गुरु कहा जाता था, यानी देश का गुरु कहा जाता था, यानी यूनान का गुरु कहा जाता था। होमर ने अपनी कविताओं में तीरंदाजी, रथदौड़, मल्लयुद्ध, बाला प्रक्षेपण आदि क्रियाओं का वर्णन किया था। यानी होमर ने ये जो दो कविताएं लिखी थी इलियड और ओडिसी, ये दोनों एग्जाम में आ चुकी हैं और हर एग्जाम में आती रहती हैं। तो ये जो कविताएं लिखी थी इलियड और ओडिसी, इन कविताओं में तीरंदाजी, रथदौड़ और मल्लयुद्ध और भाला प्रक्षेपण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं जेवलिन थ्रो, इन क्रियाओं का वर्णन किया था। और इनका मुख्य धर्म क्या था, ये जो लोग थे होमर काल के लोग थे, इनका मुख्य धर्म था मनुष्य और प्राकृतिक सौंदर्य का ध्यान रखना, यानी मनुष्यों पर और प्राकृतिक सौंदर्य पर विशेष ध्यान रखना। यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली थी और या उस शिक्षा का जो लक्ष्य था वो था मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम। होमर काल के लोग थे, उनकी शिक्षा का लक्ष्य था मैन ऑफ एक्शन, मैन ऑफ विजडम। इनका जो जीवन काल था वह धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। यानी होमर काल के जो लोग थे या होमर काल था वहाँ के लोगों का जो मेन धर्म था, जो जीवन था उनका, वो धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। यहाँ के लोगों का जीवन धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। अगला देखते हैं स्पार्टा काल। इसे शास्त्रीय युग भी कहा जाता था। स्पार्टा काल था, इसे शास्त्रीय युग भी कहा जाता था। और स्पार्टा काल में ही नगर व राज्यों का उदय हुआ था, यानी नगर और राज्य बने थे वो स्पार्टा काल में ही बने थे। ये काफ़ी विकसित काल था। यहाँ पर सैनिक प्रशिक्षण पर विशेष बल दिया जाता था। स्पार्टा काल में सैनिकों की ट्रेनिंग दी जाती थी, यानी कि जो देश के नागरिक होते थे उनको सैनिक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य था स्पार्टा काल में। और जो स्पार्टा जो शहर था या जो स्पार्टा नगर था वह यूरोटास नदी के किनारे बसा हुआ था। स्पार्टा काल या स्पार्टा नगर यूरोटास नदी के किनारे बसा हुआ था। यहाँ की जो शिक्षा प्रणाली होती थी, यानी स्पार्टा काल की जो शिक्षा प्रणाली थी उसे एगोग नाम से बुलाया जाता था, एगोग। और यहाँ के जो संचालक होते थे या यहाँ के जो शिक्षक होते थे, आज के टाइम पर अगर कहा जाए तो इसका जो संचालन करते थे उनको पेडोनोमस के नाम से बुलाया जाता था। अब देखते हैं बच्चों व युवाओं का जीवन। यहाँ पर बचपन से लेकर के यानी पैदा होने से लेकर के और मरने तक का क्या जीवन शैली इनकी होती थी स्पार्टा काल के लोगों की। देखिए, 0 से 7 वर्ष तक का बच्चा, यानी जन्म लेने से 7 वर्ष तक बच्चा अपनी माता के संरक्षण में ही रहता था। जो कुछ भी वह सीखता था अपनी माता से ही सीखता था 7 वर्ष की आयु तक। 7 वर्ष के बाद वह उस बच्चे को बैरिक में अनुशासन के लिए रख दिया जाता था, यानी उसको अनुशासन सिखाया जाता था 7 से लेकर 12 वर्ष की आयु तक। 7 वर्ष तक अपनी माता के संरक्षण में रहता था और 7 से 12 वर्ष की आयु तक वह अनुशासन सीखता था। अब देखते हैं 12 से लेकर के 20 यानी 8 साल
12 से 20 साल की एज में वह कठोर सैनिक प्रशिक्षण लेता था। पहले माता के संरक्षण में रहता था, फिर अनुशासन सीखता था, फिर 12 से 20 की एज में वह कठोर सैनिक प्रशिक्षण लेता था। देखते हैं 20 से 30 यानी 10 साल, वो 20 वर्ष के बाद में, जब बच्चा 20 वर्ष का हो जाता था उसके बाद में 30 वर्ष तक वह अस्त्र और शस्त्र चलाना सीखता था, यानी उसे अस्त्र और शस्त्र चलाना सिखाया जाता था, यानी पूरी उसे सैनिक प्रशिक्षण पूरे तरीके से उसे दिया जाता था। अब 30 वर्ष का होने के बाद में उसे शादी करने की अनुमति होती थी। जैसे ही वह युवा जो 30 वर्ष का हो जाता था उसके बाद उसे शादी करने की अनुमति थी। शादी करने के बाद वह 30 से लेकर के 60 वर्ष तक की आयु तक वह देश की सेवा करता था। अब देखते हैं यहाँ के जो युवा थे, अब इससे पता लगता है कि यहाँ के जो युवा थे उनका जीवन या उनको नगर का सैनिक कह के बुलाया जाता था, क्योंकि इससे साफ साफ पता चल रहा है कि वो अनुशासन सीखता था, सैनिक प्रशिक्षण लेता था, अस्त्र शस्त्र चलाना और देश की सेवा करना, उसको नगर का सैनिक कह के बुलाया जाता था। अब देखते हैं, ये तो होता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे बहुत ही मजबूत स्वस्थ पैदा होते थे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते थे जो कमज़ोर पैदा होते थे। उनके लिए क्या था, जो बच्चा स्वस्थ पैदा होता था तो वो तो इस रास्ते से होकर के गुजरता था और अपना जीवन काल पूरा करता था। जब बच्चा पैदा होता था तो इस काल के जो अधिकारी थे वह उसका जांच करते थे। उसकी जांच करने के बाद में बच्चा अगर कमज़ोर होता था तो उसे टाइगेट्स नामक पर्वत से फेंकवा दिया जाता था, यानी उसकी हत्या कर दी जाती थी। ऐसा समझा जाता था कि कमज़ोर बच्चा आगे चल के कुछ कर नहीं पाएगा देश के लिए, इसलिए उसे टाइगेट्स नामक पर्वत से फेंक दिया जाता था। ये जो शब्द जो एग्जाम में आ चुका है और आता रहता है, किस पर्वत से फेंकवा देते थे, तो टाइगेट नामक पर्वत से फेंकवा देते थे। यहाँ पर कुछ सवाएँ होती थी, पहली है ब्यूल, दूसरी है एगोरा। ब्यूल जो थी वह सामंतों की सभा हुआ करती थी और एगोरा थी वह नागरिकों की सभा होती थी, यानी कि नागरिक जो सभा करते थे उसे बोला जाता था एगोरा, जो सामंत लोग जो सभा करते थे उसे बोला जाता था ब्यूल। जो यहाँ के जो लोग थे, स्पार्टा काल के लोग जो थे, वह होमर काल के लोगों से घृणा करते थे या उनसे नफरत करते थे, यानी स्पार्टा काल के लोग होमर काल के लोगों से घृणा करते थे। यहाँ पर शिक्षा का उद्देश्य क्या था या शिक्षा का लक्ष्य क्या था, वो था मैन ऑफ एक्शन। यहाँ पर आपने देखा शिक्षा का लक्ष्य मैन ऑफ एक्शन और मैन ऑफ विजडम, यहाँ पर सिर्फ मैन ऑफ एक्शन। और जो स्पार्टा काल था उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रचलन था वो था कुश्ती का, कुश्ती बहुत ही लोकप्रिय थी स्पार्टा काल में, और यहाँ पर नायक पूजन की प्रथा प्रबल प्रचलन में थी कहाँ पर, स्पार्टा काल में। इसे आप अच्छे से देख लीजिए। अगला है पूर्व एथेंस काल, यानी इसके बाद का जो काल था वो था पूर्व एथेंस काल। यहाँ के जो लोग थे वह प्रजातंत्रवादी थे, एक तरह से कहा जाए तो लोकतंत्रवादी थे, यानी प्रजा का तंत्र होता था। और यहाँ पर सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर सिर्फ सैनिक शिक्षा दी जाती थी, यानी सैनिक अच्छे सैनिक तैयार किए जाते थे, अच्छे योद्धा तैयार किए जाते थे और कमजोर बच्चों को मरवा दिया जाता था। यहाँ पर सैनिक शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दी जाती थी। यहाँ पर एक जिम्नास्टिक का अभ्यास कराया जाता था, विशेष प्रकार की एक क्रिया कराई जाती थी जिम्नास्टिक जैसी, उसे गेस्टिकुलेशन के नाम से जाना जाता था। कहाँ पर, पूर्व एथेंस काल में, नाम याद रखना गेस्टिकुलेशन। और यहाँ की जो व्यायामशाला थी, पूर्व एथेंस काल की व्यायामशाला, यहाँ पर जो भी व्यायाम कराए जाते थे उसको पैलेस्ट्रा नाम से बुलाया जाता था। इसमें देखिए कौन कौन से व्यायाम कराए जाते थे, कुश्ती, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक आदि क्रियाएं कराई जाती थी, उसको बोला जाता था पैलेस्ट्रा। पैलेस्ट्रा का जो शारीरिक शिक्षक होता था ये सारी क्रियाएं कराता था, यानी कुश्ती, मुक्केबाजी, जिम्नास्टिक ये और भी शारीरिक क्रियाएं कराता था, उसे पेडो ड्राइव नाम से जाना जाता था। कहाँ पर, पूर्व एथेंस काल में, पेडो ड्राइव। अब देखते संगीत का विद्यालय, संगीत के विद्यालय को पूर्व एथेंस काल में डिडास्केलियम नाम से जाना जाता था। पूर्व एथेंस काल में संगीत का जो विद्यालय होता था उसे डिडास्केलियम
नाम से जाना जाता था, और कुश्ती और मुक्केबाजी, कुश्ती और मुक्केबाजी के मिश्रित खेल को पैन क्रिएशन कहते थे। यानी कुश्ती और मुक्केबाजी साथ साथ होती थी। वैसे भी देखें तो कुश्ती और मुक्केबाजी लगभग सेम जैसा ही लगता है, तो ये भी मैट पर कराया जाता है, ये भी मैट पर कराया जाता है, और दोनों को अगर दोनों को मिश्रित करके खेला जाए तो पूर्व इतिहास काल में इसे पैन क्रिएशन नाम से जाना जाता था। इस काल में कई राष्ट्रीय खेल समारोह होते थे, उनको बोला जाता था पैन हेलनिक। देखिए पैन हेलनिक में कौन कौन से खेल आते हैं, पहला है ओलंपिक, दूसरा है पीथियन, तीसरा है स्थीमियन, चौथा है निमियन। ओलंपिक जो था वो 776 ईसा पूर्व जीएस देवता के सम्मान में ओलंपिक खेल कराए जाते थे। ये जो है पैन हेलनिक खेल के अंतर्गत आते हैं। दूसरे हैं पीथियन, 582 ईसा पूर्व यह अपोलो या सूर्य देवता के सम्मान में कराए जाते थे, और यहाँ जो मैदान हुआ करता था यहाँ पर ये पीथियन खेल कराए जाते थे वह डेल्फी पर्वत के मैदान में कराए जाते थे। ये दूसरे दर्जे के खेल थे पैन हेलनिक खेल में। अगले हैं इस्तीमियन, 582 ईसा पूर्व, ये भी 582 ईसा पूर्व कराए जाते थे, ये भी 582 ईसा पूर्व कराए जाते थे। इस्तीमियन जो खेल थे वह समुद्र देवता के सम्मान में किया कराए जाते थे। इससे अगले हैं निमियन, 512 ईसा पूर्व, यह जीएस देवता या आकाश देवता के सम्मान में कराए जाते थे। ओलंपिक भी जीएस देवता के सम्मान में कराए जाते थे, और निमियन भी जीएस देवता के सम्मान में कराए जाते थे। इससे आकाश का देवता भी बोला जाता है जीएस देवता को। तो इसमें पैन हेलनिक में चार प्रकार के खेल आते हैं जो कि पूर्व एथेंस काल में कराए जाते थे। पहला है ओलंपिक, दूसरा पीथियन, तीसरा स्थीमियन, चौथा नीमियन। ये आप सीक्वेंस याद रखेंगे, 1 2 3 4। अगर इसकी शॉर्ट ट्रिक बनाई जाए तो ओलंपिक, पीथियन, स्थीमियन और नीमियन, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है ओपेन। इसे आप याद रखेंगे ताकि आपको ये सीक्वेंस याद रहे कौन से खेल के बाद कौन से खेल प्रचलन में थे। अब देखते हैं उत्तर एथेंस काल, लेटर एथेंस पीरियड। इस काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता था, क्योंकि सबसे अच्छा जो काल था, सबसे विकसित जो काल था वह था उत्तर एथेंस काल, इसीलिए इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है शारीरिक शिक्षा के इतिहास में। इसे दर्शन शास्त्रियों का काल भी कहा जाता है। इस काल में कई सारे क्रांतिकारी दर्शन शास्त्री हुए या दार्शनिक हुए। पहले थे सुकरात, दूसरे प्लेटो, तीसरे अरस्तु। ये भी आप सीक्वेंस याद रखेंगे, पहले थे सुकरात, दूसरे प्लेटो, तीसरे अरस्तु। सुकरात के शिष्य थे प्लेटो और प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु, ठीक है। औषधि व्यायाम का अधिक, औषधि व्यायाम पर अधिक बल दिया जाता था। उत्तर एथेंस काल में औषधि व्यायाम पर बहुत ज्यादा बल दिया जाता था। देखिए हिप्पोक्रेट्स, हिप्पोक्रेट्स नाम के जो व्यक्ति थे उनको औषधि व्यायाम का प्रचारक भी कहा जाता था उत्तर एथेंस काल में। और आज के टाइम पर हिप्पोक्रेट्स को चिकित्सा शास्त्र का पितामह भी कहा जाता है। अगला देखते हैं संगीत का विद्यालय। उत्तर एथेंस काल में संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम नाम से जाना जाता है। देखिए यहां पर भी डिडास्केलियम ही है संगीत का विद्यालय पूर्व एथेंस काल में, और उत्तर एथेंस काल में भी संगीत के विद्यालय को डिडास्केलियम नाम से ही जाना जाता है। इसके बाद का जो काल था वह था रोमन साम्राज्य, यानी रोमन साम्राज्य ने यूनान यूनान साम्राज्य पर विजय प्राप्त करके और अपना साम्राज्य यहाँ पर स्थापित किया था यूनान के बाद में। तो इसके बाद का जो टॉपिक आएगा वो आएगा रोम का इतिहास, यानी कि शारीरिक शिक्षा में या शारीरिक शिक्षा के इतिहास में रोम का जो इतिहास है, अगला चैप्टर या अगला टॉपिक वही होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यूनान का इतिहास, इसको चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला था होमर काल, दूसरा स्पार्टा, उससे अगला है पूर्व एथेंस काल, उससे अगला है उत्तर एथेंस काल, इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इसमें तीन दार्शनिक हुए, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ठीक है ना। इतना आप लोग याद रखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।